हेलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाखा वाल well, दोस्तों शिजान मोहम्मद खान ने एक बार फिर से पुलिस के आगे अपने बयान को बदल दिया जिसके बाद पुलिस कहीं ना कहीं अब शिजान मोहम्मद खान के बार बार बदलते बयानों से परेशान हो चुकी हैं और उन्होंने फैसला किया है कि अब शिजान मोहम्मद खान के ऊपर सख्त कदम उठाया जाएगा शिज़ैन के खिलाफ कड़ा कदम उठाने का फैसला मुंबई की वालिफ पुलिस ने ले लिया है जी हाँ आ रही है इस वक्त की सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज़ क्या है तुनिशा शर्मा केस के ऊपर सबसे बड़ा अपडेट बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्तार से लेकिन उससे पहले चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें आइकन को दबाना आप बिल्कुल ना भूले वेल दोस्तों तुनिशा शर्मा की मॉम ने शिजैन मोहम्मद खान के ऊपर काफी संगीन आरोप लगाए थे उन्होंने कहा था कि के के कई और लड़कियों के साथ संबंध थे और उन्होंने तब भी उनकी बेटी को प्यार के झूठे जाल में फंसाया, तीन चार महीने उसका यूज किया और उसके बाद सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए और यही गम यही दुख उनकी बेटी सहन नहीं कर पाई वो वाल दोस्तों तभी से ही 24 दिसंबर से और से 28 दिसंबर तक यानी कि चार दिन की पुलिस कस्टडी में शिज़ान मोहम्मद खान को तुरंत ही मुंबई पुलिस ने ले लिया था जिसके बाद से ही शिज़ान ने लगातार अपनी स्टेटमेंट्स को बदलने की कोशिश की है यही वजह रही कि मुंबई पुलिस अब शिज़ान के ऊपर कड़ा शिकंजा जमा रही है शिज़ान के बदलते बयानों ने मुंबई पुलिस को काफी ज्यादा परेशान कर दिया है साथ ही साथ सांत, पुलिस का कहना है कि यहाँ पे बार बार शिजैन के बदलते बयान उन्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं और इसी के साथ साथ केस को कॉम्प्लिकेट भी कर रहे हैं जहाँ एक तरफ शिजैन मोहम्मद खान ने ब्रेकअप की वजह ये बताई थी कि वो श्रद्धा वॉलकर केस से सबक ले चुके थे और उन्होंने अलग धर्म की वजह से खुद को तुनिशा से अलग कर लिया तो वहीं कुछ दिन बाद उनका स्टेटमेंट फिर से बदला और शिजैन ने अपना स्टेटमेंट बदलकर ये कहा कि उन्हें तुनिशा के साथ अपना रिश्ता आगे कंटिन्यू नहीं करना था एज डिफरेंस होने की वजह से वो नहीं चाहते थे कि तुनिशा और उनका रिश्ता आगे बढ़े यानी कि शिजैन आपको बता दें 28 साल के हैं वहीं तुनिशा मात्र 20 साल की ऐसे में इन दोनों के रिश्ते में 8 साल का बड़ा एज डिफरेंस था तो वही हाल ही में एक और अपडेट सामने आया है जिसमें शिजैन ने फिर से अपना स्टेटमेंट बदला है और ये कहा है कि तुनिशा से अलग होने की वजह उनका करियर था वो चाहते थे कि तुनिशा से अलग होकर वो अपने करियर पर ध्यान दे लगातार जिस तरह से शेजैन मोहम्मद खान अपने स्टेटमेंट्स को बदल रहे हैं, मुंबई पुलिस इस बात से परेशान है और उन्होंने इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है वेल दोस्तों क्या कहेंगे आप हमें अपने व्यूज कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना अपना भूलें